तो इस वीडियो में बात करें क्यों फूजी दौड़ा है मिस्टीरियस एलआई जो वेगा बंक के बात कर रहे थे, जिसके बारे में तो पूरा वीडियो में रीजन दूंगा। चैनल पर नो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट कर देना कैसी लगी, नोटिंग ऑल पे कर देना। तो अपनी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखो सबसे पहले बात कर लेते अपन डैंडन मोशी के बारे में। जैसे अपन तुमको मालूम है जो उनका ट्रांसपोंडर स्नेल होता है उसको डैंडन मोशी कहते हैं, अगर तुम्हें मालूम हो तो। देखो उसमें अपन ने सबसे पहले देखा था, जैसे अपन ने काफी देखा है, अगर अपन मान के चलो एक्सडेक्स का देखा था अपन ने जब कोबी से बात करा था, तो उनके डैंडन मोशी में नंबर थे प्लस उसमें एक्सडेक्स का हल्की सी छवि दिख रही थी। और अगर बात करें डॉक्टर वेबंग जिस डैंडन मोशी से बात कर रहे थे उसमें सेम टू सेम झलक दिख रही थी अपने फूजी तोरा की, क्योंकि देखो ना उसमें नंबर नहीं थे। जैसे फूजी तोरा को सबसे पहले नंबरों की जरूरत नहीं क्योंकि वो ब्लाइंड है, वो नंबरों का करेगा भी क्या। तो वो या तो अपने एकदम नए मॉडर्न तरीके का डैंडन मोशी था जो डॉक्टर वेबंग ने उसको जरूर बना के दिया होगा, जिससे वो साउंड से अपना डैंडन मोशी को चला सके क्योंकि वो है ब्लाइंड। और अगर बात करें जैसे अपन को मालूम है कि अपन ने देखा था कि फूजी तोरा का डैंडन मोशी आइनू की तरफ से कैसे एकदम ब्लाइंड दिख रहा था, और इसी से क्या पता वो डैंडन मोशी भी ब्लाइंड मतलब ब्लाइंड ही हो, क्योंकि ना तो अपन को कोई हैट ना कोई सिगार कोई ऐसी चीज देखने को मिल रही थी, क्योंकि काफी लो पे देखो हर किसी जैसे अपन को लूफी का मालूम है उस पे कैप आ जाती या फिर काफी सारी चीजें ऐसे आ जाती ना उस पे कुछ भी नहीं आया था, क्योंकि अपन को मालूम फूजी तोरा किस आंख पे स्कार है ओनली और वो ब्लाइंड है, और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो उसका डैंडन मोशी हो सकता है। और दूसरी बात करें अपन ने देखो लास्ट फूजी तोरा को देखा था अपने चैप्टर 905 में, जिसमें वो बात कर रहा था ग्रीन बुल से, जिसमें मरीज हुआ पे लोग बात कर रहे थे कि परीन फोर्ट पे पैर रखने से मना करा है, और जब तक अगर वो लूफी को ना पकड़ ला है। और अपन को मालूम है कि उसने बोला था कि वो बेगापंग के पास से आया, तो मतलब वो बेगापंग को काफी अच्छे से जानता है, और उनमें और बेगापंग को मालूम है कि अगर सबसे अच्छी मरीन है तो वो कुजान है और अपने फूजी तोरा काफी अच्छा है। तो वो देखो वो कुछ ऐसा करेगा कि अगर उसको वर्क पसंद नहीं आया मरीन का तो मरीन छोड़ भी सकता है या मरीन को बिट्रे कर सकता है अच्छे लोगों के लिए। उसको मालूम लूफी अच्छा है, लूफी बुरा नहीं हो, बेगापंग भी अच्छा है, तो वो बेगापंग को बचाने चक्कर में मरीन को बिट्रे कर दे और उसको बचा लेगी। क्योंकि अपन को मालूम है कि अभी वो कहीं नहीं है, तो क्या पता उसका ठिकाना यही होगा पंगा एगेड आइलैंड, क्योंकि वो पहले भी यहाँ आ जा चुका है तो यही रह रहा और वो इस ऑर्डर का इंतजार कर रहा होगी। जब डॉक्टर वेगापंग उसको बुलाएं वो आ जाए, अपन को नेक्स्ट चैप्टर में देखने को मिल सकता है। चैप्टर पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आया, लगता है फिर से एक और ब्रेक आ गया है चैप्टर में, या फिर कल तुम्हें देखने को मिल सकता है चैप्टर या परसों। तो हाँ वेट करना चैप्टर का भी, और स्पॉयलर्स मैंने डाल दिए कम्युनिटी पोस्ट पे जाके देख लेना चैनल पे क्लिक करके कम्युनिटी टैब पे जाके। और हाँ ये वीडियो यहीं तक थी, वीडियो पर लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट कर देना, वीडियो कैसी लगी नोटिंग ऑल पे कर देना। अगर तुम्हारे पास अच्छी थ्योरी है कोई और लगता है जो हो सकता है कमेंट में बता देना, तो कर दे वीडियो का मिलता है आपसे।